हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम फॉर पीआरटी एंड टीजीटी। आज हमारी 30 डेज की जो टारगेट क्लास थी उसकी 10वीं क्लास है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ हैंडमेड शॉर्ट नोट्स हैं जो कि बहुत ही अच्छी अच्छी बुक से लिए गए हैं, जो कि मिक्सचर है कई सारी बुक्स का, चाहे वो आपकी एनसीईआरटी बुक्स हो, चाहे वो आपकी एससीईआरटी बुक्स हो, अदर जो कॉम्पिटेटिव बुक्स हैं उनके द्वारा लिए गए हैं ये नोट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पौधों में रूपांतरण के बारे में बताया गया। मॉडिफाइड हो जाना, यानी कोई पार्ट है पौधे का वो क्या मॉडिफाइड रहना, कोई पौधे का पार्ट है वो क्या हो रहा है, मॉडिफाई होकर के किसी दूसरे रूप में परिवर्तित हो जा रहा है। जैसे कि मैंने प्रीवियस एक वीडियो में बताया था कि जो नागफनी पाया जाता है वो क्या होता है, वहां पे रेगिस्तान में जो पानी की कमी होती है तो उसकी पत्तियां कांटे का रूप ले लेती, वो कांटे असल में पत्तियां होती, तो इसी को क्या कहते हैं, रूपांतरण या मॉडिफिकेशन कहते हैं। जड़ों तनों द्वारा जो भोजन का संग्रह, ये मूसला जड़ में बता रहे, रूपांतरण कैसे होता है, जो मूसला जड़ें होती है उनमें क्या होता है, भोजन का संग्रह हो जाता है। ठीक है, जैसे गाजर होता है, ठीक, गाजर की जो ऊपरी जड़, जो गाजर की जड़ होती है उसकी ऊपरी सतह मोटी होती है, नीचे की थोड़ी पतली होती है, तो इस प्रकार के मॉडिफिकेशन को शंकु रूप कहते हैं। ठीक, शंकु की तरह रूप ले लेती है। मूली का रूपांतरण क्या कहलाता है, तरकू रूप कहलाता है। और शलजम का रूपांतरण कैसा होता है, कुंभी रूप होता है, यानी घड़े की आकृति में होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, भोजन का संग्रह होता है, ठीक है, इन जड़ों में। अब स्थानिक जड़ों में जो भोजन का संग्रह होता है, डहेलिया और शकरकंद की जड़ें, इन्हें कंद कहते हैं। डहेलिया की जड़ें ये पुलकित जड़ें होती हैं और शकरकंद की कंदल जड़ें होती हैं, ठीक है, जो रूपांतरित हो जाती हैं। फिर आलू, आलू जो होता है इसे भूमिगत तना या अंडरग्राउंड स्टम्प भी कहते हैं, ठीक है, ये रूपांतरित हो जाता है, इसको क्या कहते हैं, स्तंभ कंद कहते हैं। अदरक रूपांतरित होकर के प्रकंद बन जाता है। और अरबी का जो रूपांतरित नाम है वो क्या है, घनकंद होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, फूड स्टोरेज होता है, भोजन का संग्रह होता है। तने को सहारा देने वाली जड़ें होती हैं कुछ, जिनसे तना जो है स्टेबल रहता है। ये जड़ें मोटी होती है, जैसे कि मक्का है, गन्ना है, बरगद है, तो ये पेड़ बहुत ही भारी होते हैं या ऊंचे होते हैं लंबाई में, तो इन्हें सहारा देने के लिए मोटी जड़ें इनकी होती हैं। ठीक है, कमजोर तने वाले पौधे कौन से होते हैं, जैसे कद्दू है, तरोई है, लौकी है। ठीक है, कमजोर तनों से क्या होता है, पतली पतली धागे नुमा संरचना इस टाइप से आपने देखी होगी निकल आती है, इन्हें प्रदान कहते हैं। ठीक है, ये आधार के चारों ओर लिपट जाती है और आरोहण यानी कि ऊपर बढ़ने में, ठीक है, सहायता करती है। ऐसे पेड़ आपने देखे होंगे या पौधे देखे होंगे कद्दू, तुरई, लौकी के, कि ये ऊपर की ओर चढ़ते हैं। ठीक है, जैसे अंगूर है, मटर है। ठीक, मछली जल में घुली हुई ऑक्सीजन लेती है, किसके द्वारा, गिल्स के द्वारा। कुमुदिनी एक प्रकार का जलीय पौधा है। मछली के शरीर पर शल्करोधी शल्क होते हैं, ठीक है, तैरने के लिए शरीर धारा रेखित होता है, चपटे पंख होते हैं, गर्दन का अभाव होता है और आंखों पर निमेशक पटल होती है। ठीक, मेढक क्या होते हैं, मेढक के पश्चपाजन, पीछे वाले पैरों के जो पाद जाल होते हैं वो जल में तैरने के काम आते हैं, और जो मांसपेशियां होती हैं लंबी वो स्थल में कूदने पर सहायता करती हैं। ठीक, जल में मेढक श्वसन करते हैं त्वचा के द्वारा, और स्थल में श्वसन करते हैं फेफड़ों के द्वारा। इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स है, रक्त का थक्का बनने में, ये हम पहले प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि रक्त का थक्का बनने में कौन सहायता करता है, तो ये थ्रोम्बिन, इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रक्त जमाव से संबंधित है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत है 90%। किसी सामान्य व्यक्ति में रक्त के संदर्भ में सही कथन क्या है, रक्त में WBC की तुलना में बिंबाणु अधिक होते हैं। ठीक है, रक्त में क्या अधिक होता है, बिंबाणु अधिक होते हैं WBC के कंपैरिजन में। मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन किसके द्वारा होता है, ठीक है, तो इसका सही आपको अनुक्रम बताना है। तो पहला क्या है, पहले फुफ्फुस में आएगा, ठीक, पल्मोनरी जिसको कहते हैं, ठीक है, पल्मोनरी के बाद ये रक्त में जाती है ऑक्सीजन, फिर उसके बाद क्या होता है, ऊतक के द्वारा। ठीक, तो ये इनका अभिगम है, पहले पल्मोनरी या फुफ्फुस, फिर रक्त, फिर ऊतक। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या होती है, बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, ये आपकी क्लास हो गई। इस चैनल को लाइक करें, दोस्तों में ज्यादा ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। 30 डेज तक एडल्ट जूनियर साइंस स्पेशल टारगेट क्लासेस के लिए हमसे जुड़े रहें, बेल आइकन प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।